hello students welcome to my channel and also welcome to the series of ieo that is international english olympiads in this video we will discuss about english olympiad of class 4 that was held on 14th october 2022 there was four sections in that paper so let's start video there are 35 questions and time given for that question

क्वेश्चन नंबर टू दे लॉस्ट डैश देस एट द रेलवे स्टेशन तो राइट आंसर विल बी देअर क्वेश्चन नंबर थ्री शिवानी लाइक्स टू डैश गिटार गिटार एंड पियानो तो ये हो जाएगा शिवानी लाइक्स टू प्ले क्वेश्चन नंबर फोर रितिका डैश सीड्स इन हर गार्डन यस्टरडे कल की बात हो रही है तो आ जाएगा वो सोइंग John's grandfather is Das, European citizen. Here E is vowel, but sound is its sound is consonant, so A will come here. Okay, not N. Correct answer will be A. Question number six. Mom said that she would be back within N hour. Question answer, option B. Question number seven: Would you like to come with us? das or stay? एट होम द करेक्ट आंसर विल बी सी क्वेश्चन नंबर एट डोंट वीयर शूज इन साइड द हाउस इसमें आपको बताना है कि दैट इज विच पार्ट ऑफ स्पीच नाउन प्रोनाउन वर्ष तो दिस इज प्रीपोजिशन टर्न टू नेक्स्ट पेज क्वेश्चन नंबर नाइन माई अंकल डोनेट्स मनी टू दिस चैरिटी एवरी मंथ इसमें आपको बताना है कि चैरिटी क्या है तो दिस इज नाउन क्वेश्चन नंबर टेन रोहित गोज टू द टेम्पल विद हिज मदर रेगुलर तो इसमें एरर बताना आपको कि क्या गलती है तो इसमें ऑप्शन डी इज राइट आंसर रेगुलरली होगा इधर क्वेश्चन नंबर इलेवन दिस रेस्टोरेंट सरज द बेटर चाइनीज फूड इन सिटी अगर कोई पूरे ग्रुप की बात कर रहा है तो वहाँ आता है कम सुपर डिग्री बेस्ट हो जाता है इधर तो सही होता क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है तो बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टीन करेक्ट स्पेलिंग ए इज द राइट आंसर स्ट्रेटेजिक एंड कलिक क्वेश्चन नंबर फोर्टीन एंड सिनोनियम सिनोनियम मीन्स सेम मीनिंग तो एनचेंटिंग का सेम मीनिंग हो जाएगा कैप्टिवेटिंग क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन चूज द करेक्ट एंटोनियम मीन्स अपोजिट वर्ड और स्कर्ट्स का एंटोनियम हो जाएगा मिडिल सेंटर ओके टर्न टू नेक्स्ट पेज इसमें आपको पैसेज दिया है पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है तो मैं डायरेक्टली इसका आंसर बता रहा हूँ वाट इज पैसेज अबाउट दिस पैसेज वॉज अबाउट वेलेंटीना तेरस ओके सी इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन विच हॉबी ऑफ तेरेस इंप्रेस्ड इम्प्रेस द सोवियत स्पेस प्रोग्राम कमेटी ये आ जाएगा जम जम्पिंग आउट ऑफ द प्लेन्स ओके नेक्स्ट पेज तेरेस्को स्टिल होर्स द टाइटल ऑफ द यंगस्ट एंड द ओनली वोमेन टू हैव बीन ऑन ए डेस्क तो देट वॉज द सोलो स्पेस मिशन ऑप्शन ए नाइनटीन हाउ मैनी आवर्स डिड तेरेस्को स्पेंड ऑर्बिटिंग द अर्थ ऑन हर मिशन तो ये हो जाएगा सेवेंटी आवर्स ट्वेंटी इन दर्ड पैराग्राफ द वर्ल्ड इंडक्टेड मीन्स एडमिटेड ये एडमिट कर लिया था एयरफोर्स ने इनको अभी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी फाइव ये आपको पैसेज पढ़ना है उसमें से है ठीक है उसको पढ़ के ध्यान से आंसर तो आप इधर मैं डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ इसका व्हाट इज द पैसेज अबाउट ये पैसेज था ये किसके बारे में था तो दिस इज अबाउट द बेबी माउस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू वेर वॉज द बेबी माउस बोर्न ये कहाँ हुआ था इसका जन्म ऑन ए कार्गो शिप क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री वाट फेल्ड गुड अंडर द बेबी स्पेरोज पाज ये हो जाएगा वांग सेंड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर द बेबी माउस लिंगर्ड ए बिट लॉन्गर टू वॉच द सनसेट इज द राइट आंसर ये आप पैराग्राफ में देख सकते हैं इन द पैसे द वर्ड मिन मीन्स दिस इजनिंग क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स मिल्क माइक माइक एवरी वन इज डैश टू डोनेट फूड फॉर द पुअर तो एवरी वन इज रिक्वेस्टेड ंगट आई एम गोइंग डैश ए स्विम तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा फोर फोर ए स्विम आर यू कमिंग नेक्स्ट स्मिथ एंड मार्टिन आर डिस्कसिंग स्मिथ इज से डू यू बिलीव इन सुपर नेचुरल थिंग्स तो मार्टिन बोलेगा नो आई डोन्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन डस्टिन डस्टिन हैव यू डैश टू स्कूल टूडे तो बोलेगा कि आप स्कूल गए हैं क्या तो बोलेगा हैव यू बीन टू स्कूल टुडे क्वेश्चन नंबर थर्टी गरिमा माय बैग इज़ एज लाइटर एज ए गरिमा बोल रहे कि मेरा बैग इतना हल्का कि एक फैदर हो क्वेश्चन नंबर थर्टी वन दिस इज़ द इसमें आपको करेक्ट आंसर भरना है फिलिंग द ब्लैंक्स में दिस इज़ द डैस मूवी आई हैव एवर सीन तो ये बेस्ट मूवी कोई भी अपना कोई घटना बता रहा हो जो लाइफ में एक ही बार हुआ हो तो उसमें सुपरलेटिव डिग्री आती है क्वेश्चन नंबर थर्टी टू द बेबी इज स्लीपिंग साउंडली ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री आई विल बी वेट फॉर यू एट द लाइब्रेरी तो बी के साथ सीधा डायरेक्टली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आता इसमें आ जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बी वेट ओके लास्ट पोर्शन पे आते हैं इस पेपर का ये है चूज द करेक्ट सिनोनियम सिनोनियम मीन सेम मीनिंग तो मार्वलस का हो जाएगा फैंटेस्टिक क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव लास्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द कन्वर्सेशन मदर आई एम हीडिंग डैश टू द मार्केट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ तो हेडिंग के साथ आता है आउट ओके स्टूडेंट्स दैट्स ऑल अबाउट द टेस्ट आई होप यू वॉच एंड एंजॉय दिस वीडियो केयरफुली फॉर मोर इंटरेस्टिंग विडियोज ऑफ इंग्लिश ओलंपियाड्स एंड जी के ओलम्पियाड्स Please visit my channel, like my videos, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.